को फिर से कर लेना, इंपॉर्टेंट फेज मैंने बता दिया था एस, और वो क्वेश्चन भी हमने कल डिस्कस किया था जेनेटिक मटेरियल वाला, इट इज डबल बट स्टिल क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम, इसको मैंने याद करने का तरीका बता दिया था। चैप्टर को डिटेल में ना जाके लुक हियर, यू बोथ चारों हेडिंग डाल के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, हार्डली तीन तीन लाइन लिखी हुई है, कितनी लाइन, तीन तीन, तीन इवेंट है, दो इवेंट है, बस उतना कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। इज दिस क्लियर? तो सिग्निफिकेंस की हो गई थी, डायग्राम मस्ट है, डायग्राम में कोई रोमेटिव वाला आपको पेजे वाला डायग्राम नहीं बनाना है, हर एक फेज के अलग अलग, प्रोफेज का अलग आएगा, टेलो का अलग आएगा, पढ़ने आज हम म्योसिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। म्योसिस का एक बार अगर आपको फेज क्लियर हो जाएगा तो सारा आपको माइटोसिस जैसा ही लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हटकी जो फेज होता है नाम होता है प्रोफेज वन, उसको भी याद करने का तरीका मैं सिखा रही हूँ आपको। Like
पास है, दो सिस्टर क्रोमेटिड इसके पास है, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल, या फिर क्रोमोसोम दो है तो हम इसको क्या बोलते हैं बाय लेकिन ये ऐसा
स्लाइड, एक स्टेबल रहेगा, एक स्लाइड करता हुआ उसके एंड तक आ जाएगा और ऐसे अलग हो जाता है। मैं फिर बता रही हूँ टर्मिनाइजेशन क्या होती है। इन्होंने क्रॉसिंग ओवर कर ली थी, लेकिन ये सेपरेट एकदम ऐसे नहीं होते, वो पूरा पार्ट टूट भी सकता है, गॉट इट। और इसका क्या पता पार्ट टूट के यहाँ पे आ जाए, तो ये क्या करते हैं दूसरे पे स्लाइड करते, स्टेबल रहता है एक स्लाइड करता है उससे टर्मिनल पॉइंट पे आएगा और यहाँ से ऐसे अलग अलग से हो जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ हुई, पैकेजिंग के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन, ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। डायटेनेसिस में पूरा ही ये जो प्रोफेज फर्स्ट का हमारे फेजेस थे ये खत्म हो जाते हैं। इज दिस क्लियर? तो ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है फटाफट इनको अंडरलाइन कीजिए। जैसे मैंने इस बुक में अंडरलाइन कर रखा है, सबसे पहले सर्कल में मैंने स्टेजेस को अंडरलाइन किया है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसी से मैंने आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सिनेप्सिस। जाइगोटिक के नीचे सेकंड लाइन के लास्ट में है सिनेप्सिस। मैंने बता दिया दो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम पास में आते हैं। नेक्स्ट थिंग इज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जब ये ओवरलैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बायवेलेंट एंड टेट्राड क्या होता है। नेक्स्ट थिंग इज क्रॉसिंग ओवर। जैसे ही पैकेजिंग है, पैकेजिंग के नीचे तीसरी लाइन है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन दिस स्टेज, गॉट इट। और यहाँ पे एक एंजाइम का नाम भी दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है, रिकॉम्बिनेज। हमारा डीएनए टोटली अलग बन चुका है, कुछ पार्ट फर्स्ट का है, कुछ पार्ट सेकंड का है, ऐसे डीएनए को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस एंजाइम का नाम यहाँ पे देखिए पैराग्राफ के लास्ट में तीन चार लाइन ऊपर दे रखा है, द एंजाइम दैट इज नीडेड, जिसने इस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट किया है उसका नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज नीचे है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में मैंने बताया था डिसोल्यूशन, हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना था सिनेप्टोनीमल वो डिसॉल्व होने लगता है, खत्म हो रहा है, एंड डायटेनेसिस में टर्मिनलाइजेशन। इज दिस क्लियर? तो बस ये प्रोफेज जो था वो देखिए कितना अलग है माइटोसिस से, यस और नो। और इसके बाद जो भी आपकी स्टेजेस थी, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो एज इट इज कंटिन्यू रहती है। अब क्या हो गया, दो क्रोमोसोम के आफ्टर सेपरेशन दे विल बी लुकिंग लाइक दिस, डॉटर सेल बनेगी, हमारा मियोसिस बस कंप्लीट हो चुका है। आज बहुत परेशान करिए जो बेटा एक बार देख लो जो कंप्लीट हो गया। सो दिस वाज अ पैरेंट सेल, मियोसिस फर्स्ट खत्म हो चुका है, साइटोकाइनेसिस हो चुकी है, यहां पे अब सेल दो बन के रेडी हो गए हैं। ये अब जी नोड में नहीं जाएंगे, कौन से स्टेज में नहीं जाएंगे, जी नोड में। इमैच्योर है, इमैच्योर को ही हम पुश ऑन कर देते हैं फिर से दोबारा से मियोसिस टू के लिए। किसके लिए, मियोसिस टू के लिए। देयर विल बी नो जी वन, देयर विल बी नो जी टू, देयर विल बी नो सिंथेसिस। क्या डीएनए से नकल किया, नहीं किया, जितना भी इसके पास है उसी को ही हम हाफ हाफ डिवाइड करने वाले हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिंथेसिस होती ही नहीं है। इसके पास 46 थे, इनमें भी कितने पहुंच चुके हैं, 46 46, और अभी जब नेक्स्ट मियोसिस खत्म होगी तो इन डॉटर सेल में कितने आएंगे, 23 23 23, और ऐसे ही यहाँ पे 23 एंड 23। रिडक्शनल क्रॉसिंग ओवर फर्स्ट फेज में होती है, तो मियोसिस वन इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मियोसिस टू। Is this clear? तो meiosis one जो होता है ये भी important है, इसी को ही हम reductional division बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Second जो meiosis है, meiosis two always resemble with the mitosis। यहाँ पे ना तो आपको इतनी सारी phases देखने को मिलेंगी और ना ही आपको ये जो crossing over है, casement है, synaptonemal complex है, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो actually reductional chromosome का कहाँ हो रहा है, इस फेज में हो रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक है, और यहाँ पे क्रोमोसोम से फोल्ड कर कैसे जाएंगे, ऐसे। ये अलग क्रोमोसोम से, ये अलग क्रोमोसोम से, दो एक साथ चले जाएंगे, दो एक साथ चले जाएंगे, तो इनमें ऐसे होते हैं। और जब इनकी डॉटर सेल बनेगी तो एक डॉटर सेल में एक जाएगा और दूसरे में दूसरा चला जाएगा। इज दिस क्लियर? यहाँ पे कैसे थे, इसकी स्टेज देख लीजिए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे ये ऐसे थे, टेट्राड में थे। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हमारे स्पिंडल फाइबर्स है, एक एक
और दूसरा वैल्यू यहाँ से अटैच है। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को ये अलग अलग कर देते हैं, यानी क्रोमोसोम दो थे, टुकड़े इसके चार होंगे, कितने होंगे चार, तो एक पॉइंट पे जाएंगे, दो एक पॉइंट पे जाएंगे, इज दिस क्लियर। और ऐसे ही दो एक सेल में चले गए तो एक सेल में चले गए, हर एक सेल को दो दो मिले, और यहाँ पे कुछ सिंथेसिस हो ही नहीं रही, डीएनए अपने आप को डबल कर ही नहीं रहा है, तो इसके पास ये जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे एक ये एक सेल में डालेगा, दूसरे में दूसरा डाल देगा। और क्या है, हमने सेल को मैच्योर होने दिया, हमने सेल को मैच्योर नहीं तो कैसे ही बनके रेडी होते, हमने मियोसिस टू के लिए इनको पुश ऑन कर दिया, तो देयर विल बी नो सिंथेसिस, नो डबलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लास्ट में इनका सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हायर वर्टिब्रेट्स में, हायर एनिमल्स में, प्लांट्स में, दे वॉन्ट टू गो फॉर देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या चाहिए, गैमेट्स चाहिए, और गैमेट्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मियोसिस। बॉडी का कोई भी सेल मियोसिस को परफॉर्म नहीं कर सकता है एक्सेप्ट द डिप्लॉयड सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज। तो चलो हम वो मैंने यूट्रस वाली कहानी आपको पहले ही बता रखी है। बाय बर्थ ओवरीज में क्या प्रेजेंट होते हैं, जितने बताएगा एक्स, अच्छा ओवम की मैं पहले लेके घूम रही हूं, फिर मेंस्ट्रुएशन तो अब वही एक ही लेकिन की भी होनी चाहिए। ओके That thing again we will be recalling in class 12, जब reproduction को detail में हम करेंगे, sperms कैसे बनते हैं, ovum कैसे बनते हैं, ovum का तो थोड़ा और complicated। Yes, Dushyant, meiosis 1, meiosis 2, please stop the recording.